दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर पीछे का गला बंद हो या स्टेंट कॉलर हो तो उसका शोल्डर और आर्म होल कैसे कटता है, किस तरह से कटता है। आज के इस वीडियो में पूरा उसी के बारे में ही हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका शोल्डर जो है 14 इंच का है, तो 14 का आधा होगा 7, 7 पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक। इधर भी 7 पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे, ये देखिए, ठीक, इसी मार्किंग हो गया। अब इससे बस क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच डाउन कर लेंगे और इसके बाद गले चौड़ाई रहेगा हमारा 6 इंच का, तो उसके आधा 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, गले चौड़ाई का मार्किंग हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे स्लोप देना है, ठीक ना, क्योंकि पीछे गला जो है बंद रहता है, छोटा गला रहता है या स्टैंड कॉलर होता है तो उसका शोल्डर गिरता नहीं है, फैलता नहीं है, ठीक है। उसी लिए क्या होता है, जितना शोल्डर आता है उतना ही शोल्डर यहाँ पे रख देना होता है, ठीक। अब यहां से जो ये चेस्ट वाला मार्किंग लगता है वो कितने इंच पे लगता है, कैसे लगता है, उसका क्या मेजरमेंट होता है, क्या फंडा होता है, आज के इस वीडियो में सीखते हैं, ठीक। अब देखिए शोल्डर है 14 इंच का, तो यही पर हम लोगों को 14 का आधा जो है 7 हो गया है। अब देखिए 34 इसका चेस्ट है, ठीक, प्लस करना है 4 इंच, कितना होगा 38 हो जाएगा। अब 38 को बांटना है, इसको बांटना है 4 भाग में, तो कितना आएगा 9.5 जाएगा, तो 9.5 यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे ऐसे, और इसके बाद 1 इंच में 2 सूत कम यहाँ मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक। तो हमारा ये जो बचेगा ये वाला, इसको माइनस करना होता है, ये जो है ना ये, इसको माइनस करना होता है, देखते कितना है, ये हमारा 1.5 इंच का है, तो जहाँ मैं स्लोप दिया हूँ 1 से 1.5 इंच ऊपर कर देंगे, और उसके बाद आपको जितना आर्म होल हो उतना रख सकते हैं यहाँ पर। आपका मेरा आर्म होल जो है 17 इंच का है, तो मेरे को यहाँ पर 8.5 इंच, ठीक, ये हो गया। इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे, इसको आप यहाँ तक यहाँ पे पूरा ले सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये जो मार्किंग है ये निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है हमको, क्या करना है एक बार और बता रहा हूँ, ठीक से समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से यहाँ तक शोल्डर, जितना शोल्डर है उसके आधा यहाँ पर रखना है, उसके बाद जो चेस्ट है आपका, ठीक है, मेरे से 34 है तो उसमें प्लस 4, ये शरीर के मेजरमेंट, शरीर के मेजरमेंट से बता रहा हूँ, 34 है तो प्लस करना है 4 इंच, 38 हो जाएगा, उस 38 को 4 भाग में बांट देना है, आएगा 9.5, यहाँ पर 9.5 रखना है, ठीक, यहाँ पर, और 1 इंच में 2 सूत कम यहाँ पे कम कर देना है, तो जितना बचेगा ये शोल्डर के मार्किंग से यहाँ तक जितना बचेगा वो उतना आपको 1 इंच डाउन करके, जितना आप आर्मोर रहेगा, आपका आर्मोर 17 है तो आप 17 पे रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 8.5 आर्मोर का आधा जो है 8.5 यहाँ पर रख सकते हैं, उतना मैं रख दिया हूँ। अब क्या करते हैं, इसका चेस्ट जो है 34 4 38, 9.5 हम यहाँ पर भी रखेंगे, चेस्ट का चौथा भाग, 38 का चौथा भाग यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पट्टी लेंगे और इसको जो है गुलाई देंगे आर्मोल का। अब मैं देखता हूँ कि घुमाव जो है 8.5 इंच का आ रहा है क्या, इसको नापते हैं यहां से, ऐसे नापेंगे, ये देखिए यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए मेरा बराबर 8.5 इंच का यहाँ पर आ चुका है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, शोल्डर से लोग पहले काट लेंगे यहां से, अब यहां से इसको ऐसे कट कर लेना है, ठीक, एक कट होकर हो गया, ये हो गया हमारा बैक वाला आर्मोल कट। अगर फ्रंट वाला का गहराई कितने निकालना है, कैसे निकालना है, ये भी इसी में सिखाता हूँ मैं आपको, मार्किंग करके, मार्कर से करना क्या है,
यहीं से 1 इंच अंदर की तरफ लेना है इसे। बंद गला है ना, तो शोल्डर हमने पूरा रखा है तो ये अंदर आएगा, ठीक। डीप गले में यही बाहर जाता है, इससे बाहर लेना पड़ता है क्योंकि वो अंदर हम लोग शोल्डर काम करते हैं तो अंदर आता है तो बाहर जाता है। ये बंद गला है, छोटा सा गला है 3 इंच का, तो उसमें ऐसा ही कटता है। ये देखिए ऐसे ले लेंगे, अंदर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद से ये हम रखेंगे इसको और यही से इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमारे जो फ्रंट के जो गोलाई है, फ्रंट वाले आर्म गोलाई ऐसे देना होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, मगर मैं काटूंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं मार्किंग कर दिया हूँ। इसको भी काट भी सकता हूँ क्योंकि आप लोग सिखा रहा हूँ, तो काट के दिखाता मैं आप लोगों को इसको। ये देखिए इसे मैं छोड़ दिया, इसको जो दिख रहा है आपको हमारा ऐसे अगर रहेगा तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। और गहराई निकाल दिया इसमें का, ये खड्डा जब कटिंग का, कोई खड्डा बोलता है कोई गहराई बोलता है, अपना बोलने का तरीका होता है। ये जो हमने फ्रंट अभी हो गया है, फ्रंट आर्म होल गहराई हो गया, ठीक। तो इतना अगर ये सब अगर इसमें से नहीं निकालेंगे तो आपके आर्म होल में झोल पैदा करने लगता है, इसे कारण होता है। और बाहिन भी इतना ही निकालना होता है फ्रंट वाले पार्ट में, और इसमें भी यही निकालना होता है, ठीक। और पीछे का जो गला है वो हमारा रहेगा 3 इंच, छोटा सा गला रहेगा। ये देखिए इतना बड़ा, ये देखिए ऐसे तो गला ऐसे आता है, ठीक। छोटा सा गला है, 3 इंच का गला है, ये बंद गले में आता है। इतना बड़ा गला अगर कट करते हैं तो आपको शोल्डर फैलता नहीं है, शोल्डर गिरने का संभावना नहीं होता है, ठीक है। अगर आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कुछ पूछने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।